शांति एंड गुड मॉर्निंग। हमारे बीच आ रही हैं कमला बहन। ब्रह्म कुमारीज़ में आने के पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स किया था, उसके बाद मास्टर्स इन साइंस वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी किया है। ब्रह्म कुमारी से ये 20 साल से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी ड्यू पॉइंट में करीब 16 साल काम किया है और इतना वाइड एक्सपोजर सिविल सेक्टर में और ब्रह्म कुमारीज में होने के बाद में ये हमारे बीच आई हैं और स्पेशली SSW का ये बहुत सारे प्रोग्राम करती आई हैं। और कल जो आपने वीडियो देखा, अगर आपको थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे तो कई जगह जो SSW के प्रोग्राम हैं उनमें इनको दिखाया गया है। बहुत अच्छी वक्ता हैं ये, राजयोग का टीचर है और इन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे जगह पे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स किया है। TCS, DENSI, दिल्ली पुलिस के लिए, IFCO, हीरो होंडा, पार्ले, एक्यूरेट बिजनेस स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके जो हमारे शांतिवन में जो लेक्चर्स होते हैं, ज्ञान सरोवर में और मानेसर में जो हमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, इन सब में ये रेगुलर फैकल्टी मेंबर है जो स्पीच देती हैं। कमला बहन, ओम शांति। शांति है, कहाँ है, कहाँ है शांति? हाँ जी, मन में है। कब से है? कल से, जब से यहाँ पहुँचे तब से। अच्छा, कब तक रखने का इरादा है? हाँ जी, फॉर लाइफ। अच्छा, उसके लिए शक्ति चाहिए और आप में वो है। वो शक्ति बरकरार रखेंगे क्योंकि शांति अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन उसको बांध के रखने के लिए, जैसे हीरे को बांधने के लिए क्या चाहिए होता है? हीरा किससे बंधता है? सोने से। हीरा अपने आप में नहीं बन सकता, उसको सोना चाहिए बांधने के लिए। ऐसे ही हमारे कोई भी गुण, चाहे वो शांति है, खुशी है या कोई भी गुण है, उसको बांध के रखने के लिए भी कोई शक्ति चाहिए होती है। कैसा लग रहा है आपको आकर के यहाँ? हम पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं या सच में अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ 2-3 दिन रहेंगे, आपका स्टे हमें पूरा विश्वास है अच्छा ही होगा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम विषय पर, जो कि सेल्फ एम्पावरमेंट है। कौन कौन इस टर्म को समझते हैं? सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है? क्या होता है? सेल्फ को मोटिवेट करना, मतलब मोटिवेशन हमें ताकत देती है। और सेल्फ एम्पावरमेंट मतलब एम्पावरमेंट क्या होता है? सशक्तिकरण। ओके, आपने इसका मुझे हिंदी का शब्द बताया, लेकिन सशक्तिकरण का मतलब शक्तियों के साथ, यही मतलब है ना? शक्तियों के संग। पर वो शक्तियाँ कहाँ हैं? वास्तव में आपने भी बहुत जगह ये सुना होगा कि हमारी बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर रहती हैं। सुना है ये बात? हाँ, बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। स्वयं का सशक्तिकरण करना किसको कहते हैं? सबसे पहले इसमें दो शब्द आता है, स्व सशक्तिकरण। पहले स्वयं को जानते हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं? अच्छा, कोई भी एक भाई उठकर अपना परिचय। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कौन कौन है जो इस कॉन्फ्रेंस को या कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? ओ गुड, सभी पहली बार, ज़्यादातर पहली बार। ओके, तो कोई भी एक भाई या एक बहन उठ करके अपना परिचय दे सकते हैं, आप कौन हैं? जनरली जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, तो क्या बताते हैं?
क्या बताएंगे? नाम बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। क्या यहीं तक सीमित है हमारा स्वयं, या कुछ और भी है जो हमें अपने बारे में जानने की आवश्यकता है? स्वयं के बारे में क्या कुछ और भी है जो हमें अपने बारे में जानने की आवश्यकता है? आप देखो, स्वयं के बारे में जानना अर्थात पूर्ण रूप से जानना। तो पूर्ण रूप से जानने में क्या क्या आता है? जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये गुलदस्ता मेरा है। मैंने कहा ये गुलदस्ता मेरा है, मैं गुलदस्ता नहीं हूँ परंतु ये गुलदस्ता मेरा है। इसका मतलब गुलदस्ता अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे मैंने कहा ये माइक भी मेरा है, ये माइक अलग है, मैं अलग हूँ पर मैंने कहा ये माइक मेरा है। जिस भी चीज़ को हम कहते हैं ना मेरा, इसका मतलब वो चीज़ अलग और मैं अलग हो जाती हूँ। ऐसे ही हम कई बार अपने लिए भी क्या कहते हैं, आज ना मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। हम कभी कहते हैं मैं सिर में दर्द हूँ? कहते मैं सिर में दर्द हूँ? नहीं कहते। क्या कहते हैं? आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, आज मेरा हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आज मेरा शरीर थक गया है। गुलदस्ता मेरा, गुलदस्ता अलग, मैं अलग। माइक मेरा, माइक अलग, मैं अलग। शरीर मेरा जो थक गया है, शरीर अलग, शरीर अलग, मैं अलग हूँ। जिस भी चीज़ को हम मेरा कह दिया ना, वो अलग और मैं अलग हूँ। लेकिन अभी तक तो हमने अपने आप को इसी रूप से पहचाना हुआ है। हमने कहा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, फिर मैं कौन हूँ, फिर हम हैं कौन? वास्तव में हमारी स्वयं की पहचान, हु एम आई, इसके अंदर, इस जवाब के अंदर हमारे सारे गुण और शक्तियों का खजाना भरा हुआ है, और उसी का स्टॉक हमें रिफिल करना है। अभी उसी को स्व सशक्तिकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए, बच्चा होता है, जब वो शीशे के पास जाता है, क्यों हमारे को बॉडी कॉन्शियसनेस है आज, क्यों हम ये समझते हैं, मैं जैसे ही कहते हैं ना, मैं कहते ही ये वाला जो हमारा शरीर का स्वरूप होता है बाहर का, वो मन में छवि बन जाती है। अच्छा, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब बच्चा शीशे के सामने जाता है बचपन में, तो शुरू से ही उसको माता पिता और बड़े बता देते हैं, देखो बच्चे ये आप हो, बता देते हैं ना? तो वो बार बार जाकर शीशे के सामने खड़ा होता है और कहता है अच्छा ये मैं हूँ, अच्छा ये मैं हूँ, अच्छा मैं ऐसा दिखता हूँ। करते 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 वो बच्चा बड़ा हो जाता है। किस इंप्रेशन के साथ बड़ा हुआ? कि शीशे में जो छवि दिख रही है वो मैं हूँ। लेकिन अभी अभी हमने कहा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और शरीर की छवि शीशे में नज़र आती है। तो फिर हम कौन हैं? वास्तव में हम सब के अंदर, इसमें कोई जाति धर्म नहीं आता है, वो सब बात की बात है, हम जितने भी संसार में मनुष्य हैं, हम सब के अंदर एक ऊर्जा शक्ति है जो हमारे मस्तक के बीच रहती है, जिसको कोई आत्मशक्ति कहते हैं, कोई मनोबल कहते हैं, कोई उसको रूह कहते हैं, कोई एनर्जी कहते हैं, कोई इनेट पावर कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। लेकिन है क्या चीज़? हमारी आत्मशक्ति। आप देखिए, तिलक या बिंदी लगाते, तिलक या बिंदी लगाते हैं आप लोग? कभी कभी भाई लोग भी तिलक तो करते ही होंगे। बहनें माताएं बिंदी लगाती हैं, कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? मुझे नहीं पता कहाँ लगाते हैं, आप बताओ कहाँ लगाते हैं? माथे के बीच लगाते। क्यों? 4 से 6 फुट का शरीर है, कहीं पर भी लग सकता था ना, कहीं पर भी लग सकता था ना, या नहीं? हाँ, कहीं पर भी लग सकता था। लेकिन हम हमेशा इनवेरिएबली हम कहाँ लगाते हैं? माथे के बीच। ये जितनी भी प्रथाएं हमको दी गई थी ना भक्ति मार्ग में ऋषि और मुनियों के ज़माने से, तो इनके पीछे कुछ मैसेज हुआ करता था। फिर चाहे वो दीपक जगाना हो, या तिलक लगाना हो, बिंदी करना हो,
कोई भी प्रथा है, कोई भी नियम है, वो हमको क्यों दी गई थी? उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग होता था, मैसेज होता था। जब हमें ये चिन्ह लगाने के लिए दिया गया तो इस भाव से दिया गया था कि इंसान इस चिन्ह को लगाते लगाते ये स्मरण रखे कि इस शरीर को चलाने वाली जो ताकत है ना, जो शक्ति है, जो इननेट पावर है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ रहती है शरीर में? माथे के बीच। इसलिए हम उस चिन्ह को मस्तक के बीच में लगाते हैं, नहीं तो कहीं पर भी लगा सकते थे ना। हम कोई भी कार्य यूं ही नहीं करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। और दूसरी बात, अब हमारी आत्मशक्ति दिखती कैसी है? किसी, कोई कहते हैं ना आत्मा, वो कहते हैं अच्छा आत्मा, वो तो सफ़ेद सा उड़ता हुआ कुछ ट्रांसपेरेंट सा होता होगा, ऐसा नहीं। हमारी आत्मशक्ति जो कि एक बहुत पवित्र शक्ति है, हमारी अपनी ऊर्जा शक्ति है जिसके अंदर बहुत सकारात्मकता है, वो आत्मशक्ति हमारे मस्तक के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रहती है, अर्थात एक ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में रहती है, और वो हम सब के मस्तक के बीच चमकती है, और वो है हमारी रियल आइडेंटिटी। वो हमारी आत्मशक्ति अंदर बैठकर कहती है, ये मेरा सिर है जो दर्द कर रहा है, ये मेरा हाथ है जो काम नहीं कर रहा, ये मेरा शरीर है जो थक गया है। क्लियर? हाँ, आध्यात्मिकता ये बात बताती है। और दूसरी बात, आप देखिए हमारी आत्मशक्ति जो पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में है, अर्थात एक छोटा सा दिव्य ज्योतिर्बिंदु के रूप में है, उस चमकती हुई शक्ति के अंदर तीन शक्तियां काम करती हैं। आपको दिख रहा है पीछे, दिख रहा है? हाँ, अच्छा। हमारी आत्मशक्ति तीन शक्तियों से बनी हुई है, और वो तीन शक्तियां कौन सी हैं? हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार। मन कहाँ है आपका? मन कहाँ रहता है? हाँ जी, आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं या डल डल पार्टिसिपेंट्स हैं? कौन कौन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? बस एक दो ना, बाकियों का, बाकियों का इनएक्टिव, इनएक्टिव। कौन कौन एक्टिव है? धीरे धीरे, अभी भी नहीं आया एक्टिवनेस। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपका एक्टिविटी मुझे दिखाई ना दे। हाँ जी, नाश्ते के बाद थोड़ा सा टाइम है, ऐसा नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, कौन कौन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं? अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब सुन रहे हैं ना? ठीक है, तो हमारी आत्मशक्ति के अंदर तीन शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो इस शक्ति के अंदर है। मन का काम क्या है? सोचना। कौन कौन यहाँ सोचते हैं? सभी की छोड़ो, आप अपनी बताओ, कौन कौन सोचने वाले बैठे हैं यहाँ? कोई इतना सोचता है, कोई इतना सोचता है, कौन कौन सोचते हैं? अच्छा, सब सोचते हैं। कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। बहुत सोचते हैं? पक्का? सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं? हाँ जी, सोचते तो है ना। थैंक यू भाई। तो देखिए, हमारा मन सोचने का काम करता है। अब उसके अंदर जितने भी हमारे अंदर सोच विचार चलते हैं ना लाइफ में, वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार का कौन सा होता है? दो प्रकार के तो आप भी मुझे बता सकते हो। कौन कौन से प्रकार के थॉट्स होते होंगे? ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव थॉट किसको कहते हैं? सकारात्मक सोच कब किसको कहते हैं? मान लीजिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी को दुख नहीं देती, मैं कभी किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ मैं डिसरेस्पेक्ट ना करूँ, मैं ध्यान रखती हूँ मैं किसी से कड़वा ना बोलूँ, क्या मैं पॉजिटिव हूँ? यस, ओके। सकारात्मकता का डेफिनेशन क्लियर करते हैं आज। पॉजिटिव
पॉजिटिविटी किसको कहते हैं? पॉजिटिविटी का मतलब होता है, देखिए अगर मैं कहती हूँ या सोचती हूँ कि मैं किसी को दुख नहीं देती हूँ, ये पॉजिटिविटी नहीं है। मैं दुख तो नहीं देती हूँ, ये एक नॉर्मल संकल्प है जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये एक बहुत साधारण संकल्प है। अगर मैंने किसी को सुख दिया वो पॉजिटिविटी है, उसके अंदर सुख की वैल्यू है, इसलिए वो पॉजिटिविटी है। मैंने अशांति नहीं फैलाई, ये पॉजिटिविटी नहीं है। मैंने शांति का योगदान कितना दिया, वो पॉजिटिविटी है। मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने रिस्पेक्टफुली कितने लोगों से व्यवहार किया, वो पॉजिटिविटी है। कुछ ना करना कुछ करने के बराबर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, आपको क्लियर हो रहा है? सकार नहीं हो रहा? अच्छा, देखिए कुछ ना करना करने के बराबर नहीं हो सकता। आज सभी क्या कहते हैं? सेल्फ सर्टिफाइड। आज सब कहते हैं मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, मैं तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर खास होगा तो क्या होगा, मैं सबके लिए बहुत कल्याणकारी बातें सोचती हूँ, तब वो खास है। मैंने कड़वा नहीं बोला, कड़वा नहीं बोला, लेकिन मीठा प्यार और सम्मान और सभ्यता के साथ कितने लोगों से बात की, वो पॉजिटिविटी है। ठीक है? हाँ, कोई भी ऐसा विचार या संकल्प जो किसी के कल्याण हित या किसी आत्मा के उन्नति हित या अपनी आत्मा की उन्नति हित अगर मेरे अंदर वो संकल्प आता है तो वो पॉजिटिविटी, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज होंगे। शांति का वैल्यू होगा, गुण होगा। हाँ, वैल्यूज माना गुण, शांति होगी या शक्ति होगी या कल्याण हित होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसके अंदर, वही सकारात्मकता है। नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिव थॉट्स किसको कहते हैं? एंटी वैल्यू, अर्थात वैल्यूज का टोटल ऑपोजिट। यहां पर ऐसे कोई है जिनको हिंदी पूरी समझ में नहीं आती हो भाषा? ऐसे तो कोई नहीं है ना? ओके, तो अगर नेगेटिविटी किसको कहेंगे, नेगेटिव थॉट्स का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हम गुस्से में हैं। अच्छा, गुस्सा आता है? कोई ऐसे हैं जिनको कभी गुस्से का अनुभव ना आया हो? मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आता है, अनुभव हुआ है। हाँ, देखो जब हम गुस्से में होते हैं या चिड़चिड़ करते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं या फिर थोड़ा मायूस होते हैं, कभी रो देते हैं या फिर अकेलापन महसूस करते हैं या गिल्टी फील करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या खुद को दोषी मानते हैं, या थोड़े स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में है, ऐसी जब हमारी मानसिकता होती है या इनमें से किसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड हमारा मन से होकर गुजरता है अक्सर, उस समय जो थॉट्स क्रिएट होंगे उसकी उसकी क्वालिटी क्या होगी? क्या होगी? वो पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, वो वीक थॉट्स होते हैं, कमज़ोर संकल्प होते हैं उस समय, उसको नेगेटिव कहते हैं। उसमें से नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है, क्रिएट होती है। एक तीसरे प्रकार का थॉट होता है हमारे अंदर, वो कौन सा होता है? नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। आवश्यक विचार कौन से होते हैं? मान लीजिए आपके कर्तव्य संबंधित, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्यों से संबंधित विचार हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, या कोई आपका प्रोजेक्ट है, या कुछ भी ऐसा जो आपके कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से संबंधित है, ऐसा विचार अगर आपके मन में चलता है वो तो आवश्यक है ना, वो तो ज़रूरी है। लेकिन एक चौथे प्रकार का थॉट होता है जिसको हम कहते हैं वेस्ट थॉट, अनावश्यक, जिसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी चलता रहता है। चलता है वेस्ट थॉट कभी कभी? चलता है?
हाँ चलता है ना, आजकल समय ऐसा चल रहा है, चलता है, लगातार चलता है, चलता बहुत है। हाँ आप देखो वेस्ट थॉट किसको कहा जाता है, देखो एक एक करके हम चेकिंग कर रहे हैं, अभी सेशन नहीं साथ साथ हाँ चेकिंग भी हो जाती है। देखो वेस्ट थॉट किसको कहेंगे, व्यर्थ संकल्प का मतलब होता है, मान लीजिए अभी दो दिन पहले हमारे साथ कोई बात हो गई, किसी के साथ हमारी कोई बात हो गई दो दिन पहले, या हफ्ते भर पहले अभी कोई बात हुई, चाहे घर में चाहे ऑफिस में या कहीं पर भी, वो बात बीत चुकी है, वो समय निकल चुका है, वो व्यक्ति भी इस समय सामने नहीं है जो उस समय थे, लेकिन मेरे मन में वो बात चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। ऐसा क्यों, बोल कैसे दिया, हो कैसे गया, कर कैसे दिया, उन्होंने मुझे कैसे कह दिया, मुझे कैसे कह दिया, जो करना था मुझे उस समय करना था। अच्छा एक बात बताइए, क्या उसका अब कुछ हो सकता है, वो चेंज हो सकती है? हाँ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी क्यों चलता है? मान लीजिए अभी इस हॉल में हम सब बैठे हैं, अभी तो यहाँ लाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, प्रोजेक्शन भी ऑन है, एसी भी चल रहा है, सब चल रहा है, अभी तो ये यूज़ हो रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद हम सब इस कमरे से बाहर चले जाएंगे, अगर ये तब भी चलते रहे तो वेस्ट है ना। ऐसे ही अगर बीती बात की चिंतन में हम बार बार आते हैं तो होता क्या है, हमारे मन और बुद्धि की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, हमारा मन और बुद्धि कमज़ोर होता चला जाता है। ये कोई नई बात तो नहीं है, आपको भी मालूम है ना, लेकिन उसकी शक्ति भरनी है अभी, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हो सकता है हो सकता है, या तो बीती बात का चिंतन या बहुत ज़्यादा आगे की सोचना, टू मच फार इन द फ्यूचर, बहुत ज़्यादा आगे की हम सोच रहे हैं। एक होता है नियर फ्यूचर के लिए हम प्लान कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, वो ठीक है, जिसके लिए आप कुछ प्रिपेयर भी कर सकते हैं अभी। एक होता है बहुत ज़्यादा आगे की, जिसका हम प्रैक्टिकली आज कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी चिंता आज हमको लग रही है, ऐसा ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो, क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं? इस वाले का भी नहीं कर सकते, उस वाले का भी नहीं कर सकते, और दोनों को ला करके जब हम वर्तमान में चला रहे हैं मन में, तो वर्तमान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे वाले भाई सुन रहे हैं सभी? अच्छा वर्तमान क्या हो रहा है, खराब हो रहा है ना, और हमें पता है कि वर्तमान ही भविष्य का आधार है, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। तो अब आप देखिए इन चारों संकल्पों में से कौन से हमारे मन में अधिक चलने चाहिए जी, पॉजिटिव एंड नेसेसरी और पॉजिटिव, और नकारात्मक और वेस्ट कितना चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कम से कम चलना चाहिए ना, ना के बराबर। अच्छा तो अगर अच्छा अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मन का काम क्या है, सोचना, आपने तीन शक्तियाँ देखी, मन का एक काम है सोचना, अब बुद्धि का काम क्या है, लोग सोचते हैं मन यहाँ है और बुद्धि यहाँ है, मन यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो दिल होता है। अब हम दो एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो एक है शरीर, उसके अंदर एक है आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग, क्लियर, ह्यूमन प्लस बीइंग। आपको पता है ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं इंसान को इंग्लिश में, ह्यूमन जो शब्द निकला है ना वो लैटिन वर्ड ह्यूमस से निकला है, और उसका मतलब होता है मिट्टी, सॉइल, इसलिए हम कहते हैं शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और उसकी जो बीइंग है अर्थात उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है अर्थात ह्यूमन की बीइंग है अर्थात मनुष्य की आत्मा है। अब वो जो बीइंग है उसके अंदर तीन शक्ति है, मन, बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि यहाँ नहीं है, ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन शरीर का एक हिस्सा है, बुद्धि आत्मा की एक शक्ति है, दूसरी शक्ति, क्लियर। बुद्धि का काम क्या है, निर्णय करना, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, इसको करने से फ़ायदा होगा, इसको करने से नुकसान हो सकता है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, ये डिसीशंस कौन लेता है, हाँ
इंटेलेक्ट, जिसको हम बुद्धि कहते हैं. बुद्धि यहाँ नहीं है, यहाँ है, राइट. मन के उठाए हुए विचार, बुद्धि के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर जब भी हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमारे संस्कार कहलाते हैं. आप कोई भी एक्शन बार बार रिपीट करेंगे ना, वो क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा. फिर वो चाहे आप नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, ठीक है. हाँ, अब संस्कार क्या है? एक तरह से हमारे अंदर रिकॉर्ड है. आपको क्यों इन तीनों शक्तियों के बारे में आज जानकारी दी जा रही है? कारण ये है, स्व सशक्तिकरण का मतलब मन का सशक्तिकरण, बुद्धि को एम्पावर करना और संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना. इन तीनों को श्रेष्ठ बनाना ही सशक्तिकरण है. इसलिए इन तीनों की जानकारी होना जरूरी है. आप देखो संस्कार क्या होता है. संस्कार के अंदर जो चीज़ चली जाएगी ना, वो ऑटो मोड में आ जाती है. आपको पता है, ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है. जैसे मान लीजिए हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है शुरू शुरू में. जब हमको अगर गाड़ी नहीं चलानी आती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, फोकस करते हैं, गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं. उस समय कोई अगर सामने से पूछे, कोई बात करे, कोई म्यूजिक सुने, तो हम क्या कहते हैं, अरे अभी रुक जाओ, पहले मुझे गाड़ी सीख लेने दो, मुझे ध्यान लगाने दो. क्या लगाने दो? ध्यान. ध्यान लगाने वाली शक्ति कौन सी है? मन और बुद्धि को फोकस करने दो. क्यों? क्योंकि संस्कार में गाड़ी चलाना नहीं है, इसलिए मैं चला नहीं सकती या सकता, मुझे पहले सीखना पड़ेगा. और हम एक समय आता है रोज़ उसको प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते, एक समय आता है हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं. उसके बाद आपने सिर्फ, आपको इतना याद होगा कि गाड़ी स्टार्ट कब की थी. गाने भी सुन लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं और मंजिल में भी पहुंच जाते हैं. हमें पता ही नहीं कितनी बार हमने क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, गियर शिफ्ट किया, हमको नहीं पता लगता है. गाड़ी किसने चलाई? मन बुद्धि तो बातें कर रहा था, वो तो गाने सुनने में बिजी था. गाड़ी किसने चलाया? संस्कार ने गाड़ी चलाई. जो चीज़ हम रोज़ रिपीट करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो ऑटो मोड में संस्कार में चला जाता है. इसीलिए कहते हैं कोई अच्छी चीज़ हो ना, अगर कोई अच्छी बात हो, उसको तब तक रिपीट करिए, तब तक उसको बार बार अपने आचरण में लाइए जब तक वो आपका संस्कार न बन जाए. संस्कार अर्थात नेचुरल काम करेगा, वो काम करेगा ही करेगा अगर संस्कार बन गया तो. लेकिन अगर कोई बुरी बात है, अगर कोई वीकनेस है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो ध्यान रखना. ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? संस्कार न बन जाए, क्योंकि बन गया तो ऑटो मोड में आ जाएगा, वो अपने आप काम करेगा, न चाहते हुए भी काम करेगा. इसलिए होता है ना कई बारी, आप देखो कई बारी कुछ कुछ ऐसे संस्कार हमारे होते हैं, हम बहुत चाहते हैं कि हम चेंज कर लें, इसको निकाल दें, इसको अपना लें, इसको ठीक कर लें, लेकिन चार दिन करते हैं फिर वहीं के वहीं, दो दिन करते हैं फिर वहीं के वहीं, या एक हफ्ता करते हैं, दस दिन करते हैं, महीना भर करते हैं, फिर वहीं के वहीं हो जाता है. होता है ऐसा? हाँ. इसका कारण क्या है मालूम है? कहीं ना कहीं वो बात डीप रूटेड अर्थात आत्मा के अंदर संस्कार में है और उसको चेंज किया जा सकता है. संस्कार का परिवर्तन संभव है, लेकिन संस्कारों को बदलने के लिए एक तो समय और दूसरा पुरुषार्थ, मेडिटेशन के द्वारा चाहिए, लंबा समय लगता है. इसीलिए मन बुद्धि और संस्कारों को हमको श्रेष्ठ बनाना है, यही स्व सशक्तिकरण है. कैसे बनाएं? इसकी ताकत क्या है? अब देखिए शरीर कमज़ोर पड़ता है तो उसको हम क्या देते हैं, हॉर्लिक्स पिला देते हैं, थोड़ा प्रोटीन खिला देते हैं, या दूध पी लेते हैं, सब्जियां खा लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं. लेकिन यहाँ अगर कमज़ोरी है, मन कमज़ोर हो रहा है, बुद्धि में एक शक्तिहीनता है, डिसीशंस नहीं लिए जाते, लेते हैं तो गलत हो जाता है, सोचते कुछ है हो कुछ जाता है, मन में विचार रुक नहीं रहे हैं, या जिस क्वालिटी के थॉट्स हम चाहते हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मन बुद्धि में कमज़ोरी है ना. हाँ, तो अगर मुझे मन बुद्धि को कमज़ोरी से निकालना है, उसको ताकत भरनी है, तो कौन सा हॉर्लिक्स पिलाएं? यहाँ पर
हाँ जी, बस मेडिटेशन से हो जाएगा। हाँ जी, थॉट्स भी देंगे। हाँ देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो देखने में बहुत हेल्दी लग रहा है, लेकिन उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है ना, उसके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। इम्यूनिटी समझते हैं ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। तो अगर उसकी अंदरूनी ताकत कम है, तो जब जब सीज़न बदलेगा क्या होगा, उस बच्चे का बीमार पड़ेगा, या ज़रा सी ठंडी हवा चली वो बीमार पड़ जाएगा। छोटी छोटी बातें भी उसको बीमार कर देती हैं। लेकिन अगर वही दूसरा बच्चा है, वो देखने में पतला दुबला सा है, लेकिन बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, उसके अंदर की ताकत काम कर रही है, हड्डियाँ मजबूत है, उसकी पाचन शक्ति अच्छी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऐसा बच्चा हल्के फुल्के सीजनल इफेक्ट से उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तो थोड़ा असर अगर उस बच्चे पर आ भी गया ना, तो थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ी दवा देते तो वो बच्चा क्या होता है, जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती है। ऐसे ही हम सब के पास दो दो बच्चे हैं। बच्चों का नाम मन और बुद्धि, ये दो बच्चे हम सब के पास हैं। अब आप बताओ, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को सालों साल से पूछ ही नहीं रहे हैं, कैसे होंगे मन अपने बच्चे? ऐसे बच्चे जिसको माता पिता पूछते ही नहीं है, कैसे हो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कैसे होते हैं बच्चे? हाँ जी, बीमार होते हैं। और कैसे होते हैं? हाँ जी, कमज़ोर और नेगेटिव और हाँ जी इनडिसिप्लिन्ड। ओके, और कैसे होंगे? बच्चों को पूछा नहीं जा रहा है, टाइम नहीं दिया जा रहा है, कैसे होंगे? अच्छा ये ऐसे शब्द ना, हाँ राइट है। क्योंकि देखो, जिसको माता पिता की परवरिश ठीक से नहीं मिलती है, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? एक तो कहना नहीं मानते, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा गया, उनको पौष्टिकता समय पर नहीं मिली, नरिशमेंट नहीं मिला, तो वो बच्चे तो कमज़ोर होंगे ही ना। अब आप देखो, आजकल आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का ज़माना है। आजकल क्या ज़माना है? मॉडर्न ज़माना है ना, लोग कहते हैं ज़माना मॉडर्न है। और आजकल मॉडर्न ज़माने में माता पिता के लिए भी ट्रेनिंग होती है, आपको पता है? पता होगा। कौन सी ट्रेनिंग होती है? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों की पालना कैसे करनी है। तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। वो कहते हैं आप अपने बच्चों के साथ ऐसा 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 करना और ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपके बच्चों की परवरिश, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और साथ में एक बात बोलते हैं, कहते हैं गिव सम क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया करो, कहते हैं। अब हम चेक करें, हम इन दोनों बच्चों को कितना क्वालिटी टाइम देते हैं? कितना देते हैं? साल में 4 दिन की छुट्टी लेकर कैंप में इनविटेशन मिलता है तब देते हैं, या रोज़ देते हैं? कितना टाइम देते हैं अपने आप को? देखो, काम तो हम कितने सारे लेते हैं अपने मन बुद्धि रूपी बच्चों से, हाँ, लेकिन क्या देते हैं? वापस कुछ देते हैं उसको? हाँ जी या ना जी, आप सुन रहे हैं या सुन रहे हैं? अच्छा, अब आप देखो, मन और बुद्धि रूपी बच्चा अगर कमज़ोर होगा हमारा, तो क्या होगा? ज़रा सा किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ जाएगा, छोटी सी कोई बात बोली, रिएक्ट करेंगे। छोटा सा कुछ हुआ भी, कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं है, क्योंकि आजकल समय कैसा चल रहा है, बड़ी बातें बड़ी कम होती है, इतनी इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है ऐसा समय? हाँ, बड़ी बातें तो लाइफ में एक दो ही होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातें आज इतनी बड़ी बन रही हैं, और सारा दिन बनती हैं,
अब आप सोचो, अगर हमारे में से किसी का भी मन और बुद्धि अगर कमज़ोर है तो क्या होगा, छोटी छोटी बातें मुझे इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेशन में लाएंगी, हर छोटी बात मुझे स्ट्रेस में ले आती है। एक होती है कोई बहुत ही बड़ी घटना हो गई लाइफ में और वो मुझे थोड़ा सा हलचल में ला रही है, और एक है हर बात ऑलमोस्ट 90% हर छोटी बात मुझे रिएक्शन में ले आती है, हर छोटी बात मुझे रुला देती है, हर छोटी बात मुझे स्ट्रेस या डिप्रेशन में लाती है, हर छोटी बात मुझे सहन नहीं होती है। इसका मतलब मन और बुद्धि रूपी बच्चे बीमार हैं। छोटी छोटी चेंजेस मुझे बीमार कर रही है। क्यों? क्योंकि गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, छोटी छोटी बातों में अटकना, नाराज़ होना, टोकना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, अकेलापन महसूस करना, रोना आना, ये क्या है? मन और बुद्धि की बीमारियां हैं। पता है ये बीमारी है। और अगर इनमें से कुछ भी मेरे मन बुद्धि से गुजर रहा है या गुजरा है, इसका मतलब कमजोरी है। अगर वहीं हमारा मन बुद्धि रूपी बच्चा सशक्त होगा, सशक्त का क्या मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, मन मजबूत होगा। मन की मजबूती किससे है? सकारात्मकता से, वैल्यूज से। अभी हम वैल्यूज पर भी आते हैं, उसके हॉर्लिक्स पर भी बात करेंगे। तो अगर हमारा मनोबल अच्छा है, आत्मविश्वास अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है, सकारात्मकता काम कर रही है, तो क्या होगा, किसी ने कुछ कह भी दिया ना तो कहेगा अच्छा बाबा ठीक है, कर लेंगे ना, आगे से आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, चलो ठीक है, इस बार हो गया हो गया। या फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, इस बार हमने कर दिया, आप ही बता दो कैसे करना होता है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। अरे भाई ठीक है, चलो हम दोनों मिल करके कर लेते हैं, ठीक। अगर सशक्त मन और बुद्धि है तो वो रिस्पॉन्स देगा, अगर कमजोर मन और बुद्धि है तो किसी ने जरा सा कुछ कह दिया पकड़ लेंगे उसको, और पकड़ के क्या कहेंगे, कैसे कह दिया मुझे, कह कैसे दिया, आपने कैसे कह दिया, मुझे क्या समझ रखा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कोई गरिमा नहीं है, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट, क्यों, कमजोर है ना, इसलिए बीमार पड़ गया। हर छोटी बात पिक करेंगे, फिर हमको छोड़ना नहीं आता है, कहते हैं ना लेट गो लेट गो लेट गो, जाने दो जाने दो, कैसे जाने दे, जाने कैसे दे, ऐसे कैसे जाने दे, कमजोरी की निशानी छोड़ो, यह है सशक्तता की निशानी, जहां छोड़ने की जरूरत है, हर बात नहीं छोड़ी जा सकती। तो ऐसे ही अब हमें इन दोनों बच्चों को अगर सशक्त बनाना है तो इसकी ताकत कहाँ है, क्या चीज़ हम इसको दें, आत्मा को, हमारी आंतरिक शक्ति को किस चीज़ से भरे तो ये शक्तिशाली हो जाएगा, हमारी आत्मशक्ति। देखो शास्त्रों में, अगर आप लोगों ने सुनी हो शास्त्रों की बातें, कई लोग पढ़ते भी होंगे सुनते होंगे, शास्त्रों में दो शब्दों का प्रयोग होता है मनुष्य आत्मा के लिए, कहते हैं मनुष्य की आत्मा सतोगुणी होती है, सतो प्रधान होती है, ये दो शब्द सुने किसी ने, सुने हैं सतोगुणी और सतोप्रधान, ये मनुष्य के लिए कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं हम सभी सात गुणों से बने हैं, कुछ ऐसे सेवन बेसिक क्वालिटीज हैं, सात ऐसे गुण हैं जो मूल रूप से जिसके आधार पर हम आत्माएं बनी हुई हैं, हमारा रॉ मटेरियल वही है अंदर का। तो वो जो हमारी आंतरिक गुण है वही हमारी ताकत है, और वो गुण कौन से हैं अभी हम उस पर आते हैं। ये स्लाइड आपने शायद देखा नहीं होगा, यहां पर शरीर और आत्मा दो अलग अलग एंटिटीज को दिखाया गया है, और ये है हमारी आत्मा के सात गुण, ज्ञान अर्थात नॉलेज, पवित्रता प्यूरिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप ध्यान रखिएगा, ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम और शक्ति,
ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति, ये सात गुण ऐसे हैं जो मूल रूप से हमारे अंदर हैं, हम सब के अंदर हैं। अब हमको क्या करना है, इसका स्टॉक चेक करना है, कितना स्टॉक है। जैसे मान लीजिए ये सात गुण क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। अब इनमें से अगर किसी का भी स्टॉक कम होता है ना, या डिप्लीटेड होता है, तो हम डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हमारा स्व सशक्तिकरण जो है वो शक्तिहीनता में आ जाता है। सिंपल। अब वो सशक्तिकरण कैसे होगा, इनके स्टॉक को बढ़ाने से हो जाएगा। अब जैसे ज्ञान है, देखिए इन सातों गुणों से हमारी आत्मा बनी हुई है और हम सबके अंदर आज वो है, लेकिन आज काम नहीं कर रही है, आज दिखता नहीं है ये चीज़। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर एक परत जम गई है हमारे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों में एक परत जम गई है। वो लेयर कौन सा है, परत कौन सी है, वेस्टेज और नेगेटिविटी की। जब हम घर से निकलते हैं, सभी आप घर से निकलते हो तो मैले निकलते हो या फ्रेश निकलते हो, नेचुरली। घर से हम निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, नहा धोकर तैयार होकर फ्रेश एकदम आएंगे ना, लेकिन वातावरण में उतनी फ्रेशनेस नहीं है। वातावरण में क्या है, धूल है, मिट्टी है, डस्ट है, पोल्यूशन है, हाँ वहाँ बहुत गंदगी है। तो जब घर वापस आते हैं तो हम थोड़ा सा मैले हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, आके नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, शावर ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो रोज़ धूल मिट्टी हमारे ऊपर लगी है वो साफ हो जाए। आप लोग अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर वातावरण में जाते हैं, रोज़ बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन रोज़ हमारे ऊपर असर डाल रही है, नहाते महीने में एक बार है, क्या हाल होगा, समझ सकते हैं ना। ऐसे ही आत्मा के ऊपर रोज़ परत चढ़ रही है, किस चीज़ की, किस चीज़ की, क्योंकि आज वातावरण में ज़्यादातर क्या है, सकारात्मकता है, ज़्यादा ज़्यादा कौन सी है, ऐसा नहीं कि सकारात्मकता नहीं है, ऐसा नहीं कि वैल्यूज़ नहीं है संसार में, है, लेकिन जिस मुकाबले नकारात्मकता है, जिस मुकाबले वेस्टेज है, उस मुकाबले सकारात्मकता बहुत कम है। तो असर किसका होगा, जो ज़्यादा है उसका असर होता है। इसलिए हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर वो परत जम गई है, इसलिए आत्मा आउटशाइन नहीं कर रही है, वो ब्लॉक हो रही है। उसके अंदर मन की शांति जिससे वो बनी हुई है, आज वो दिखती नहीं है। जो सुख है वो दिखता नहीं है, दुख ज़्यादा दिखता है, क्योंकि लेयर है ऊपर। अब हमको क्या करना है, क्या करना है, एम्पावरमेंट का मतलब कनेक्ट बैक, हमें वापस अपनी आत्मशक्ति से जुड़ना है, वहीं सारा खजाना और सारी शक्तियां भरी हुई है, सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं। आज हम इतना स्ट्रगल करते हैं, आज देखो आत्मा हर चीज़ में स्ट्रगल करती है। क्यों स्ट्रगल करती है, पहले होता था एक ज़माना, जब ऋषि और मुनियों का ज़माना होता था, विद्वानों का ज़माना होता था, तो लोग कहते थे जीवन एक कला है। क्या है, कला है, लाइफ इज एन आर्ट। लेकिन आज क्या कहते हैं, जीवन क्या है, हाँ क्या है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। ये कला संघर्ष कैसे हो गया, कला संघर्ष कैसे हो गया, जब लोगों के अंदर ज्ञान, पवित्रता, सुख, मन की शांति, शक्ति, मनोबल, आपस में आत्मिक प्रेम, स्नेह काम करता था, जब इसका स्टॉक अच्छा था, तब जीवन कला थी। अब स्टॉक कम हो गया है, जीवन क्या बन गया, संघर्ष। तो अब वापस इसको कला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा देना है। इतना इजी है ना, सिर्फ बढ़ाना ही तो है अपने खजाने को, और तो क्या करना है। जैसे मान लो कोई भी मनुष्य आत्मा इन सातों गुणों के बगैर नहीं रह सकती है। कैसे, अब देखो आत्मा का पहला गुण है ज्ञान, हम सब का पहला गुण ही ज्ञान है, नॉलेज है। अब आप देखो किसी के लाइफ में मान लीजिए ऐसा कोई समय आए जब
कुछ खास लर्निंग नहीं हो रही है, सीखने को नयापन नहीं मिल रहा है, मन को कोई नवीनता नहीं मिल रही है, कोई सत्य ज्ञान बहुत दिन हो गया अंदर नहीं गया, तो कैसी होगी लाइफ? कैसी होगी? एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग? कैसी होगी? डल एंड बोरिंग, ऐसा ही होगा ना? हाँ, क्यों? अगर उस समय कोई आकर पूछे, भाई साहब आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बहन जी आप कैसे हैं, तो क्या जवाब आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक है, चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं, चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है। आजकल इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द आया है इसके लिए, पूछो ना, हाउ आर यू, कहेंगे नॉट बैड। क्या कहते हैं? नॉट बैड। और नॉट बैड का मतलब क्या होता है? नॉट गुड, यही होता है ना। नॉट बैड मतलब नॉट गुड। तो क्यों अंदर से आप देखो, आत्मा एक रिपोर्ट दे रही है, पूछा जा रहा है आप कैसे हो, आत्मा अंदर से क्या कह रही है? बस ठीक है, कुछ खास नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला गुण है ना, वो कम हो गया, बहुत दिनों से हमने कुछ डाला नहीं, स्टॉक कम हो गया है। ऐसे ही आत्मा का दूसरा गुण प्योरिटी है, पवित्रता है, सुख है, शांति है। अब मान लो जब भी हमारा मन अशांत होता है, अच्छा पहली बात होता है, अशांति होती है, होती है। जब भी हमारा मन अशांत होता है, इसका मतलब शांति की परसेंटेज क्या हो गई? कम हो गई। अगर शांति की परसेंटेज कम हो गई, अगर हमारा मन अशांत है, उस समय क्या होता है? कोई पूछे, भाई साहब आप कैसे हो, हाउ आर यू, सिस्टर आप कैसे हैं, क्या जवाब आता है? पता नहीं, आजकल तो मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता है, पता नहीं मुझे आज किसी से मिलने को दिल नहीं करता है, मुझे कहीं जाने को दिल नहीं करता है, मेरा तो काम करने को ही दिल नहीं करता है, मुझे तो किसी से मिलना जुलना नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, पता नहीं आजकल मुझे नींद भी ठीक से नहीं आती है। क्या कहते हैं? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। क्या नहीं पता? यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ का स्टॉक शांति का कम हो गया, इसलिए पता नहीं कर रहे हैं। और जब परेशान होते हैं, क्योंकि परेशान तो होते हैं ना, अशांत मन परेशान होगा या शान में रहेगा? परेशान होगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जब कोई एक मनुष्य आत्मा डिस्टर्ब होती है ना, डिस्कम्फर्ट महसूस करती है, जैसे ही हमारा अपना गुण कम हुआ, हम डिस्कम्फर्ट में आ गए, हम कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है उस समय? अगर एक आत्मा डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, तो ये हो नहीं सकता कि वो दूसरों को परेशान ना करे। एग्रीड? डू यू एग्री? अच्छा, लेकिन हमको ना खुद डिस्टर्ब होना है न दूसरों को करना है, कोई नहीं करना चाहता, पर हो जाता है। क्योंकि अगर एक आत्मा परेशान होगी ना, चाहे वो चाहे या न चाहे, उससे अनेक परेशान होते ज़रूर हैं। तो अब क्या करें? अगर परेशान नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, तो अपनी शांति की परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर कमज़ोरी आती है ना, हमारी ताकत कम होती है, इन्फेक्शन कैच होता है। इन्फेक्शन किसको लगता है? जो मजबूत है या वो जो कमज़ोर है? जो कमज़ोर होगा उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, और उसकी रिकवरी भी बहुत लेट होती है। देखो, किसी किसी को यहाँ पर इन्फेक्शन होता है ना, मूड खराब हो जाता है, कब तक ठीक करने में लगे रहते हैं? और कोई ठीक करने की कोशिश भी करे ना, और ज़्यादा जाओ। अगर एक बार मूड खराब हुआ, एक एक हफ्ता निकल जाता है। होता है ऐसा? होता है। क्यों? रिकवरी नहीं हो रही है जल्दी, जल्दी मूड वापस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर कमज़ोरी है, अपने अंदर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, हर्ट फील हो जाता है, दुख में आ गए, इन्फेक्शन हो गया, अब वो ट्रीटमेंट कोई कितना भी मनाने की कोशिश करे, और ज़्यादा ज़िद हो जाती है, कभी कभी तो और ज़्यादा और ज़्यादा इन्फेक्शन कैच हो जाता है, डीप रूटेड। रिकवरी स्लो हो रही है। सशक्त आत्मा होगी तो मान लो किसी बात से मूड खराब भी हो गया ना, वो कुछ ना कुछ अपने आप को करके ठीक कर लेंगे। ठीक है?
आज तो क्या है, स्ट्रगल का ज़माना है ना, संघर्ष, जीवन संघर्ष बन गया है। सुबह उठना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, रात को सोना एक संघर्ष है, सही चीज़ खाना एक संघर्ष है, गलत न खाना एक संघर्ष है, अच्छे संस्कार बनाना एक और संघर्ष है। हर जगह संघर्ष 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 है। क्यों? आत्मबल की कमी। कोई भी अच्छी चीज़ को अपनाना हो या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी नहीं है, जो खराब है, उसको छोड़ना हो, अपने से दूर रखना हो, दोनों में शक्ति लगती है और वही शक्ति हमारे को जमा करनी है। और वो शक्ति जमा करने में मेडिटेशन काम आता है, डेली मेडिटेशन। ठीक है? तो इसलिए जैसे ज्ञान है, पवित्रता है, सुख है, शांति, ये सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे मान लो ज्ञान है, आज हमको फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आज हमने ज्ञान की एक बात में ये देखा कि हमारे अंदर के विचार अलग अलग प्रकार के चलते हैं। पता तो पहले से ही था कि मन में क्या चलता है, लेकिन इस प्रकार से हमने कभी अलग करके नहीं देखा होगा, है ना? तो आज अगर हमें ज्ञान की बात में एक ये बात मिली कि सकारात्मक और आवश्यकता को ज़्यादा सोचना चाहिए और नकारात्मक और नेगेटिविटी और वेस्टेज को कम करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम आज से हम उम्मीद करते हैं कुछ तो कोशिश करेंगे। करेंगे क्या कोशिश करेंगे? हाँ जी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको। क्या करना है? सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है अपने अंदर कि हमारे अंदर के संकल्पों की क्वालिटी अधिकतर पॉजिटिव या आवश्यकता में चलती रहे, जहाँ थोड़ी नेगेटिव या वेस्टेज आती है उसको हम चेंज कर दें। कर सकते? करेंगे? कौन कौन, सच में दिल से बताइए, कौन कौन ये कोशिश करेंगे? अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो देखो जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान जाता है ना, देखो ज्ञान का मतलब क्या होता है, सिंपल समझ और क्लैरिटी, यही तो ज्ञान है। और क्या है ज्ञान का मतलब? समझ और क्लैरिटी। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान जाता है तो हमारी मेंटल प्यूरिटी अर्थात आत्मा की पवित्रता बढ़ती है, अर्थात विचारों की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। मान लो अगर वेस्टेज और नेगेटिविटी पे हम कंट्रोल कर रहे हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारे थॉट्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो प्योरिटी, ज्ञान से पवित्रता आती है, और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर पवित्रता होगी उतना ही हमारा मन शांत रहता है। हायर द प्योरिटी मोर द पीस। आज देखो आधे से ज़्यादा दिक्कत क्या है दुनिया में, मन की अशांति का कारण है मन में अपवित्रता। जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज होंगी उतना मन हलचल में होगा, उथल पुथल में रहेगा। तो अगर मन की, अच्छा एक बात बताइए, शांति का मतलब क्या है? मन का शांत होना मतलब सब छोड़ दें, अलग हो जाएं? हाँ जी, शांति का मतलब, हाँ जी भाई साहब, स्थिरता। ओके, और शांति का मतलब? शांति कब होगी हमारे मन में? एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके गुड, और नेगेटिविटी नहीं होगी। ओके, और शांति होती है तो मन का देखिए शांति का मतलब होता है हम अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी, छोड़कर नहीं, हर जिम्मेवारी को निभाते हुए हमारे मन में एक्टिवनेस बना हुआ है। शांति बहुत एक्टिव होती है, जो मन से शांत होता है ना वो बहुत एक्टिव होता है, कंट्रीब्यूटिंग होता है, सहयोगी होता है, सम्मान देता है। जो जिसके मन में शांति होगी वो बहुत एक्टिव होगा, वो डल नहीं होगा। शांति इज वेरी एक्टिव, शांति इज नॉट डल, राइट? और जो अशांत होता है ना वो डलनेस में होते हैं, वो आलस्य में होते हैं, वो अलबेलेपन में होते हैं, वो नकारात्मकता में होते हैं। शांति इज वेरी एक्टिव, राइट? इट्स मोर कंस्ट्रक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है।
तो शांति तो कितनी अच्छी चीज़ है, हाँ। तो आप देखो, जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है, हमारी थॉट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, प्योरिटी आती है, और वैसे जितना मन में प्योरिटी होगा, पॉजिटिविटी आती होगी, मन शांत होगा, तो अंदर से खुशी आएगी, अच्छा लगेगा, हमारे अंदर ही हमारे एक अच्छी फीलिंग आएगी, अंदर ही अंदर एक अच्छी फीलिंग की खुशबू आएगी, तो मूड कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा। जिसके अंदर ज्ञान काम कर रहा है, पॉजिटिविटी काम कर रही है, संकल्पों की क्वालिटी ठीक है, और जिसके मन में प्योरिटी लेवल अच्छा है, जिसके अंदर आंतरिक खुशी है, जिसका मूड अच्छा है, उसके अंदर क्या होगा, आनंद आएगा। आनंद का मतलब मस्त, एकदम मज़े में रहेंगे, हल्के रहेंगे। आनंद का मतलब हल्के रहना, मस्त रहना, एकदम हल्के फुल्की। ऐसा नहीं कि मन भारी है, बुद्धि भारी है, भारी भारी चेहरा है, भारी भारी व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं। खुशनुमा हल्का मन। और अगर ये सारे गुणों में वृद्धि होती जाएगी ना धीरे धीरे, तो क्या होगा, आत्मिक प्रेम, जिसको स्पिरिचुअल लव कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है, आत्मा की प्रेम का गुण का मतलब होता है स्नेह। तब हमारे अंदर स्नेह का गुण जागृत होता है। आज क्या है देखो, दुनिया में स्नेह नहीं है। दुनिया तो हम और आप से ही तो दुनिया बनती है ना, लोगों से ही तो दुनिया है ना। तो आज बहुत कैलकुलेटिव बिहेवियर है, कोई स्नेह नहीं है ज़्यादा। आप हंसेंगे तो हम मुस्कुराएंगे, आप बात करेंगे तो हम बात करेंगे, आप नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। कैलकुलेटिव बिहेवियर है ऐसा, हाँ, बहुत कैलकुलेटिव है। इसमें स्नेह होता है, इसमें पीछे वाले बताएंगे, होता है ऐसे में स्नेह। आज बहुत रफ टफ है, जैसे पता नहीं एक एक्स्ट्रा स्माइल या एक्स्ट्रा शब्द निकालने से पता नहीं क्या हो जाएगा। वो क्यों नहीं निकलता है, ऐसा नहीं कि वो निकालना नहीं चाहते हैं, पर अंदर स्टॉक होगा तब तो फ्लो होगा ना। अंदर स्नेह भाव होगा तो क्या होगा, हमारा व्यवहार हर एक से स्नेहपूर्वक अर्थात कम से कम ठीक होगा। अब बताओ, ज्ञान अंदर जा रहा है, पॉजिटिव क्वालिटी थॉट्स मेंटेन्ड है, अगर हमारे मन में शांति ओवरऑल बनी हुई है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, हर्जा नहीं लाइफ में, लेकिन ओवरऑल हमारी आत्मा की क्वालिटी क्या है, स्थिरता वाली है, शांत रहते हैं अधिकतर, हाँ, और अंदर हमारा मूड ज़्यादातर अच्छा होता है। एक होता है ज़्यादातर मूड अच्छा रहता है, कभी कभी बिगड़ जाता है, कभी कभी, और एक होता है ज़्यादातर खराब रहता है, कभी कभी थोड़ा ठीक होता है, तो लोग पूछते हैं क्या हुआ भाई, आज क्या बात है, आज क्या खास है, क्यों पूछते हैं? जिनका मूड कभी कभी अच्छा होता है ना, उनको लोग ऐसा पूछते हैं। तो अब आप सोचो, जिनके अंदर ये सारे गुण धीरे 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 वृद्धि पाते हो, उनको क्या होगा, अंदर से अपने ही अंदर एक असीम सी शक्ति का आभास होता है। ऐसा लगता है मेरी नज़रों में मेरी वैल्यू बढ़ गई। जिनका अपने मन में शांति हो, उनका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, बेहतर होता है। जिनके मन में पॉजिटिव थॉट्स की क्वालिटी ज़्यादा होती है, उनका आत्मविश्वास कैसा होता है, अच्छा होता है। जिनके अंदर शांति की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, उनको डर ज़्यादा लगता है, होता है ना। तो इसका मतलब एक असीम सी शक्ति का आभास होता है आत्मा के अंदर, एक बल महसूस होता है। ऐसे समय में हमारी नज़रों में कम से कम हमारी वैल्यू उठ जाती है। इसका मतलब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा हो गया, बढ़ गया, सेल्फ एस्टीम बढ़ गया। ऐसे समय में अगर मुझे सामने से कोई रिस्पेक्ट नहीं भी देगा ना, तो चल जाएगा। अगर यहाँ भरपूरता है, एक भरपूर आत्मा कभी कंप्लेंट नहीं करती है। अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देते आई एम स्टिल ओके, क्योंकि मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है, इसलिए आप नहीं देंगे तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर खालीपन है, अगर मन की शांति में गड़बड़ है, ज्ञान बहुत दिनों से डाला नहीं कुछ अंदर, या टाइम नहीं है उसके लिए, या कोई भी कारण हो, मन की प्योरिटी में बहुत इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हैं, सुख से ज़्यादा दुख महसूस होता है, अगर यहाँ स्टॉक गड़बड़ है, नीचे है, खालीपन है, तो अंदर से वो जो खालीपन है ना, ऐसी खाली आत्मा सामने एक्सपेक्ट करती है,
क्या एक्सपेक्ट करती है? आप मुझे शांति दो, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे खुशी दो। अगर आपने मुझे शांति नहीं दी ना, तो मेरे पास तो शांति है ही नहीं। आप मुझे रिस्पेक्ट तो दो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट फील नहीं हो रहा है, इसलिए आप नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा? तब तक मैं परेशान, ऐसा कब तक चल सकता है? इसलिए हमें दूसरों पर आधारित नहीं होना है। अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, जो मेरा अपना मोटिवेशन बढ़ाएगा, जो मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला है, इसी को तो सशक्तिकरण कहते हैं ना, और किसको कहेंगे? एम्पावर्ड सोल, सशक्त आत्मा, इसका मतलब क्या है? जो सदा खुश रहती हो, जो संतुष्ट रहती हो, जिसका मन अधिकतर शांत रहता है, जिसके अंदर स्थिरता बहुत है। ऐसा नहीं कि उनके पास परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां आती हैं, परिस्थिति आती है, मेहनत करते हैं और पार कर लेते हैं, कम से कम टूटते नहीं है, ठीक है। हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मनोबल बना हुआ है, इसको कहेंगे सशक्त आत्मा। अब जब हमारी नज़रों में हमारी वैल्यू अच्छी है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? कैसा होगा? वीक होगा? अच्छा होगा? अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मविश्वास, आत्मा नहीं, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है आत्मा पर विश्वास होना, और आत्मा पर हमारा मन बुद्धि इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। वो तब विश्वास करेगा जब उसको आत्मा के अपने गुण अनुभव हो रहे हो, अर्थात मन में शांति है, शक्ति है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति, ज्ञान है, पवित्रता है। ये सातों गुण जब उसको अंदर अनुभव होगा ना, तब हमारा आत्मविश्वास अच्छा हो जाएगा। अगर हमारी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास अच्छा है, तो हम कोई भी काम करने जाएंगे, उस कार्य का क्या होगा? क्या होगा? सफल होगा ना। इसी को तो एक सशक्त पर्सनालिटी बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? इसी को कहेंगे ना। हम आधारित क्यों बने? मेरे को अगर रिस्पेक्ट कोई नहीं दे रहा है, इट्स ओके। अगर भरपूर आत्मा होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा या कम फर्क पड़ेगा, लेकिन खाली आत्मा होगी तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा। फोन कर करके कंप्लेंट करेंगे, क्या करेंगे? आप तो मुझे पूछते ही नहीं हो, मुझे फोन ही नहीं करते हो, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो। ये सब कमजोर आत्मा के बोल हैं, कभी नहीं बोलना ये सब। भरपूर आत्मा क्या करेगी? जब भी किसी का फोन आएगा, क्योंकि हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं ना, तो क्या होता है, सुनने वाले को भी मन नहीं करता हमको फोन करने को। हम एक बार कंप्लेंट करते हैं, वो दो बार फोन कम कर देंगे, फिर तीसरी बार हम फिर कंप्लेंट करेंगे, फिर उनका चार फोन और कम हो जाएगा। हमारा व्यक्तित्व अंदर का ऐसा हो, हमारी आत्मा की वो क्वालिटी हो कि हमारा फोन देख करके किसी को लगे अच्छा इनका फोन है, चलो बात करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा फोन जाए कहे अये है इनका फोन आ गया, अब मुझे पता है ये क्या बोलने वाले हैं। इनके पहले दो सेंटेंस तो वो खुद ही रिपीट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा हमारा व्यक्तित्व दूसरों के लिए नहीं, दूसरों की छोड़ो, अपने लिए, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारे अपने खुशी के लिए, हमारे अपने और अपनों की खुशी के लिए क्या करना है? मानसिकता का स्वस्थ होना, अर्थात सशक्त होना जरूरी है। आज कोई चॉइस नहीं है, ये आज कोई चॉइस नहीं है। मेडिटेशन करना, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना, ये कोई चॉइस नहीं रह गया है, ये कंपल्सरी है। जैसे शरीर को भोजन कितनी बार कराना चाहिए, कब तक कराना चाहिए, कब तक? आप लोग यहां है, शरीर तो यहाँ बैठा है, आत्मा है, है? अच्छा, मस्तक के बीच चमक रही है, अच्छा, मन बुद्धि यहाँ है, ओके। तो कब तक आपको भोजन करना है शरीर के लिए? जब तक ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर के अंदर है, ठीक है।
ऐसे ही अगर मेडिटेशन कोई पूछे ना कब तक करना चाहिए बहन जी, तो क्या जवाब है? कब तक करना चाहिए, कब कब करना चाहिए मेडिटेशन? जब माउंट आबू आएंगे तब? हाँ, आपको हम कितनी बार बुलाएं बताइए, कितनी बार बुलाएं निमंत्रण से? हाँ, हम भोजन शरीर को रोज देते हैं, और वो भी एक दिन में 3 बार 4 बार और भी पता नहीं कुछ कुछ देते रहते हैं। तो आत्मा को भी भोजन रोज देना पड़ेगा। और आपको पता है राजयोग मेडिटेशन इजी है, सीखा जा सकता है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। अभी आपके आने वाले सेशंस में आपको और पता पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो इसीलिए सशक्त आत्मा बनना है, भरपूर आत्मा बनना है, खाली खाली नहीं रहना है। जैसे भाई साहब ने शुरू में कहा, एक सशक्त आत्मा का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। आप सोचो, एक है बाहर से कोई हमको मोटिवेट कर रहा है, वो कितना दिन चलेगा? हफ्ता, 10 दिन, महीना भर चल जाएगा, साल भर चल जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और एक है हम अंदर से मोटिवेटेड हैं, अगर हमारे अंदर प्यूरिटी की क्वालिटी अच्छी है, हमारे थॉट्स में पॉजिटिविटी है, वैल्यूज काम कर रहे हैं, ज्ञान अंदर रोज जा रहा है, सुख की महसूसता है, मन की शांति है, हमारा मोटिवेशन कहाँ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास भाई साहब? तो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे ना। हाँ, जो गाड़ियाँ होती है ना, उसमें एक सेल्फ स्टार्ट होता है, और एक होता है बाहर से धक्का लगाकर स्टार्ट होना, दोनों स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कौन सा तरीका बेहतर है? अगर सेल्फ खराब हो जाए तो कहेंगे गाड़ी सर्विस स्टेशन पर जानी चाहिए। ऐसे ही अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो स्वस्थ हैं। अगर हमको खुश करने के लिए, हमको शांति में लाने के लिए, हमको शक्ति भरने के लिए बाहर से लोगों को लंबा समय मेहनत करना पड़ता है, इसका मतलब सर्विसिंग की जरूरत है, ठीक है? और उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन कहिए, मेडिटेशन कहिए, कुछ मिनट्स के लिए करेंगे, ठीक है? तैयार है मेडिटेशन करने के लिए? नींद तो नहीं करेंगे? हाँ, पहले बता देना नींद करना है तो, क्योंकि आप एक नींद करेंगे ना, उसके वाइब्रेशन पूरे हॉल में जाएंगे, और फिर आपके बगल वाले भी सो जाएंगे, इसलिए उनको भी थोड़ा सहयोग दीजिएगा, ठीक है? चलो देखो, मेडिटेशन में क्या करना है, अभी आपको सिंपल डिटेल में आपको बाद में बताएंगे, पर आपको एक काम करना है अभी, सिर्फ छोटा सा, आँखें कोशिश करके खुली रखना, क्योंकि वो आपको और बताएंगे। हम लोग यहाँ खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं, उसके पीछे कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, लेकिन अभी हो सके तो खुली आंखों से मेडिटेशन करना, पर आपको दिक्कत हो तो बल आंखें बंद कर सकते हैं, पर आंखें बंद करके सोना नहीं। और दूसरा, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप मेरी तरफ देखेंगे तो आपका अपने थॉट्स पर ध्यान नहीं रहेगा, आप सामने कहीं पर भी आपके लिए एक स्लाइड लगा देते हैं, आप या तो इस पर अपनी आंखें सिर्फ टिका लीजिए, लेकिन आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि इस पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको कुछ शब्द देंगे, उन शब्दों को आपको मन से सिर्फ फॉलो करना है, बस इतना ही करना है। ओके, समझ गए? ठीक है, चलिए। आराम से सीधे होकर बैठें, हाथ और पांव को बांध कर ना बैठें, कोशिश करके एक दूसरे से लग करके भी ना बैठें। फ्रेश, एक्टिव, अलर्ट होकर बैठें मन बुद्धि से। अपनी आती जाती श्वासों पर थोड़ा सा अपना ध्यान दें, आराम से गहरी और लंबी श्वास बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के लेते रहें, जैसे आप नेचुरल विधि से गहरी श्वास लेते हैं, और आपके श्वासों में जो शांति है उसको कुछ पलों के लिए अनुभव करें।
कैसे श्वास आ रही है और जा रही है। महसूस करें इस समय आप कहाँ बैठे हैं, ज्ञान सरोवर में, एक बहुत सुंदर विशाल प्रांगण में, जहाँ चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता है, वातावरण में शांति है, सुख है। ऐसे प्रांगण के इस हॉल के अंदर आप आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। चेक करें इस समय आपके मन का वातावरण कैसा है, क्या कुछ है जो आजकल आपका मन आपको फील कराता है। आजकल आपके विचारों की क्वालिटी क्या है, ज्यादातर सकारात्मक है, आवश्यक है, या फिर कुछ मिक्स होता है। जैसे सागर की लहरें जब जोर से उछाल खाती हैं, तो शोर और हलचल महसूस होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन के अपने संकल्प भी कभी कभी आपको शोर और हलचल महसूस कराती हो। अब जैसे सागर की लहरें कभी कभी शांत होकर के भी बहती हैं, इसी प्रकार अनुभव करें आपके मस्तक के बीच एक दिव्य सितारा। केवल एक तस्वीर बनाएं, मस्तक के बीच एक बहुत सुंदर रोशनी का पुंज चमक रहा है, जिसके अंदर आपका मन, बुद्धि और संस्कार सदा कार्य करता है, सदा। इस समय आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनकी गति को कम करें। धीरे धीरे सोचें और कम, जैसे सागर की शांत होती हुई लहरें, इसी प्रकार आपके मन रूपी सागर में विचारों रूपी लहरें शांत हो रही है। मस्तक के बीच अपनी आत्मशक्ति को अनुभव करते हुए एक संकल्प करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूप सशक्त आत्मा हूं, मैं कमजोर नहीं। अनुभव करें आपकी आत्मशक्ति में से सफेद रंग की शांति की किरणें निकल कर आपके सारे शरीर में फैलकर शरीर और मन को शांति की अनुभूति करा रही है। मैं एक शांत स्वरूप सशक्त आत्मा हूं, भरपूर हूं। ओम शांति।